हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं, ठीक है, हमारा विषय गणित है, ठीक है ना, उसकी वर्कशीट संख्या 38 कराऊंगी, जिसकी दिनांक है मेरे पास 30 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करेंगे ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है, ऊंचाई एवं दूरी। बस इसमें ये है, अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे समकोण त्रिभुज होते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में, मतलब डेली लाइफ में होते हैं या नहीं होते, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो यहाँ यही लिखा है कि याद कीजिए और बताइए। आपको पहले का थोड़ा सा याद करना है और कुछ बताना है। क्या याद करना है? देखो, आपको कह रहा है कि एंगल बी की सम्मुख भुजा बताओ। तो एंगल बी की सम्मुख भुजा ये है आपके पास एंगल बी, सम्मुख मतलब इसके सामने वाली, तो एसी है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने जो भी होता है वो क्या होता है? मेरा कर्ण होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपसे दूसरे में कह रहा है कि कोण सी की संलग्न भुजा को डैश कहते हैं, मतलब इसके बिल्कुल साथ में जो बन रही है, ये वाली लग के जो भुजा इसके लग के जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बीसी। और ये क्या है? मेरा आधार, आधार ही तो होता है ये मेरा। ठीक है ना, अब वो कह रहा है कोण सी की सम्मुख भुजा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसकी सम्मुख भुजा है हम, तो अब इसके सामने वाली भुजा ना, पहले बी की सम्मुख भुजा थी, अब सी की है, तो उसको क्या कहेंगे? सी की सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे हम? लंब। तो हम यहाँ लिख देंगे अपना लंब। ठीक है ना, तो चलिए ये तो हमारा हो गया। अब आते हैं हम जो हमारी आज की ये वर्कशीट है, बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। ठीक है, आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। इसके आखिरी में जो आपको एक प्रश्न दे रखा है उसमें आपको एक आकृति बनानी है खुद से, ठीक है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर है आपके पास दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण। आप देखो, ये आपकी डेली लाइफ के उदाहरण है जिसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है। चार आपको उदाहरण दे रखे हैं। देखो, यहाँ पर आपने क्या किया, ये सीढ़ी लगा दी है इस दरवाजे के पास, ठीक है ना, तो देखो ये बन गया आपका, बना नहीं बना समकोण त्रिभुज। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये बॉय, ये लड़का इस पेड़ को देख रहा है, तो देख रहा है ना ये, तो यहां से हमने ये बनाया, तो ये बन गया मेरा समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, और ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। उसी तरीके से देखो, यहाँ पर भी है, ये लाइट हाउस है, ये शिप है, तो ये भी मेरा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ऐसे ये बनना है, ये उल्टा जरूर बनना है, लेकिन है ये समकोण त्रिभुज ही, तो समकोण त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको आपके दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण दे रखे थे। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण होते हैं, पर यहाँ तो सिर्फ चार ही दे रखे हैं। तो चलिए, अब मैं आपको एक चीज बोलती हूँ जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आप अपने दैनिक जीवन के ऐसे कुछ और उदाहरण ढूंढिएगा, जिसको भी पहले मिल जाए वो मुझे कमेंट में, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएगा कि उसको कौन सा उदाहरण मिला। ठीक है ना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी कि कौन मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताने वाला है कि उसको उसके दैनिक जीवन में ऐसा क्या मिला जिसमें उसने समकोण त्रिभुज देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, यहाँ पर आपको दो चीजें लिखी हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण बोलते हैं। ये है क्या चीज? चलिए इसको हम समझते हैं। ये तो वही लिखा हुआ है हिंदी में ही कि क्या है, मैं आपको इस आकृति से समझाती हूँ। देखो, यहाँ पर ये एक बॉय है, ठीक है, एक लड़का है, कोई भी मान लो। यहाँ पर एक वस्तु रखी है। अब जब ये यहाँ पर है और वस्तु ऊपर रखी है, तो ये ऊपर की ओर ही तो देखेगा। ये इसकी दृष्टि रेखा है, ये पूरी जो ये यहाँ बी से सी तक बनी हुई है, तो ये ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है, यहां से मैंने इसका क्या किया, क्षितिज रेखा बना दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। मतलब ये वो कोण होता है जो क्षितिज रेखा के तो ऊपर बनता है। और ये बनता कब है? जब हम ऊपर की ओर देख रहे होते हैं किसी भी वस्तु को, जब हम ऊपर की ओर देख रहे हो, ठीक है, तो वहां से आप क्या करो, अपनी एक क्षितिज रेखा खींचो। ठीक है, अब वो जो आपको एंगल बना के देगी, कोण बना के देगी, वो आपका क्या होगा, उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो
तो समझ में आया आपको कि ये कौन सा कोण होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, अवनमन कोण। ये क्या है? ये इसका उल्टा है। अब आप यहाँ नीचे थे, वस्तु ऊपर थी, अब यहाँ उल्टा कर दो, यहाँ वस्तु नीचे है ठीक है, और आप ऊपर हो ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर हो ठीक है, अब आप तो यहाँ पर हो और यहाँ पर वो वस्तु है, मैं मान लेती हूँ यहाँ रखी है वो वस्तु, ये मैंने खुद से माना है ठीक है। इसमें आपको ये दे रखा है उन्नयन कोण और वो अवनमन कोण, तो ये मत सोचिएगा कि मैं ये उल्टा हो गया, नहीं मैं खुद से मान लू मैं यहाँ पर हूं और एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। अब जब मैं इसको ऊपर से नीचे देखूंगी ठीक है ना, तो ऊपर से नीचे ही तो देखूंगी, तो फिर मेरा एक कोण बनेगा, क्षितिज रेखा के नीचे बनेगा वो कोण ठीक है। तो उस कोण को हम क्या बोलेंगे, ये रहा वो कोण, उस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। तो आपको दोनों में फर्क समझ में आया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में दोनों बनते क्षितिज रेखा पे है, एक क्षितिज रेखा के ऊपर बनता है और एक क्षितिज रेखा के नीचे बनता है ठीक है। एक कब बनता है, जब मैं कुछ चीज ऊपर की ओर देख रही हूँ, कोई वस्तु ऊपर की ओर रखी हुई और मैं उसको देख रही हूँ, तो वो मेरा बनेगा उन्नयन कोण, और वो किस पे बनेगा, क्षितिज रेखा के ऊपर बनेगा ठीक है। अब जब मैं कोई वस्तु नीचे रखी है और मैं ऊपर हूँ, तो मैं ऊपर से नीचे देख रही हूँ ठीक है ना, तो मेरा जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा, और वो कहाँ बनेगा, क्षितिज रेखा के नीचे बनेगा ठीक है। तो आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया है। अगर आपको वो समझ आया तो देखो पहले, क्योंकि आपके पहले प्रश्न में यही करना है, उन्नयन एवं अवनमन कोण में दो अंतर लिखे, तो वही दो अंतर है क्या, एक तो ये दोनों कोण, एक कोण क्षितिज रेखा के ऊपर बनता है और एक कोण क्षितिज रेखा के नीचे बनता है ठीक है ना। कौन सा कोण क्षितिज रेखा के ऊपर बनता है, उन्नयन कोण, और कौन सा कोण क्षितिज रेखा के नीचे बनता है, अवनमन कोण ठीक है। दूसरा मैं क्या लिखूं, अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है, और अगर हम नीचे की ओर देखते हैं किसी भी वस्तु को तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है ठीक है। यही दोनों अंतर मैंने यहाँ लिख दिए, वही दोनों चीजें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको समझाई है ठीक है ना। चलिए अब हम अपना प्रश्न दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा है आपके पास, ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए। अब चलिए देखते हैं फिर कौन सा उदाहरण है जो ये हमसे कह रहा है, यहाँ पर ही हमसे ये वाला उदाहरण कह रहा है, कह रहा है जो ये जहाज और मीनार के बीच में ये जो बन रहा है, ये बताओ कौन सा कोण है। अभी हमने दो कोण पढ़े, उन्नयन कोण और अवनमन कोण पढ़े है ना, तो बताओ आप मुझे बताओ अब ये कौन सा बन रहा है, ये जहाज यहाँ है और ये मीनार यहाँ है, तो जहाज पे से आप अगर ऊपर की ओर मीनार को देख रहे हो तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण या अवनमन कोण, उन्नयन कोण ठीक है ना। जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं किसी वस्तु को और वो क्षितिज रेखा से ऊपर है, ये है इसकी क्षितिज रेखा, ये रही, इससे ऊपर भी है, तो ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न करते हैं। लिखा है निम्न कथन के लिए नामकृत चित्र बनाइए। अच्छा इसमें आपको चित्र बनाना है, जो अभी मैंने आपको बोला था एक आकृति आपको खुद से बनानी है, ये वही वाला प्रश्न है। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, क्या है यहाँ पर, समुद्र तल में 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। देखो क्या करना है, यहाँ पर एक समुद्र है, समुद्र तल है, चलो हम भी बना लेते हैं फिर, जब समुद्र तल है तो यहाँ मैंने ये बना दिया समुद्र तल ठीक है। अब इससे 65 मीटर ऊपर, तो मैं यहाँ का ही पॉइंट ले लेती हूँ ठीक है, यहाँ मैं अपना आधार बना देती हूँ ये ठीक है ना। इससे 65 मीटर ऊपर स्थित, ये रही आपकी बिंदी, ये रही 65 मीटर ठीक है, बादल से, यहाँ पर मैं मानती हूँ बादल है ठीक है, ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप हंसना मत, ये क्या बनाया ये ठीक है, ये बादल है ठीक है। अब इससे मैं बना रही हूँ कौन सा, उन्नयन कोण, मतलब ऊपर की ओर देख रही होंगी ना बादल की ओर, तो चलो बना देते हैं फिर यहाँ पर, ये बन गया, तो ये मैंने यहाँ पर ये ले लिया ठीक है, ये मेरा यहाँ तक सारा वाटर लेवल है, यहाँ सारा समुद्र तल है ये मेरा ठीक है ना, ये मैंने अपना यहाँ आधार ले लिया, ये बन गया मेरा उन्नयन कोण क्या था, बीटा ये रहा। अब आगे आपसे कह रहा है तथा समुद्र में बादल की परछाई, अब इस बादल की परछाई समुद्र के अंदर पड़ रही है, ये रहा पूरा समुद्र, इसमें पड़ रही है बादल की परछाई, तो नीचे अंदर ही पड़ रही होगी ना समुद्र के,
चलिए फिर इसकी परछाई बना देते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ का इसकी परछाई बना दी, ठीक है ना। अब मैं यहां से जब इस परछाई को देखूंगी तो मैं अंदर की साइड, नीचे की साइड देख रहे हैं, तो कौन सा बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है और अल्फा बना रहे हैं। चलो बना दो उसको वो भी, और यहां पर लिख देते हैं हम अपना अल्फा, ठीक है। ए नहीं है ये, अल्फा है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है, तो मतलब सी लेवल से ही तो होगी, ठीक है। पहले मैं क्या करती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ। अब मैं इसको नाम कैसे दूँ, देखो यहां मैं लिखती हूँ ए, यहां मैं लिखती हूँ बी, ठीक है, यहां मैं लिखती हूँ सी और यहां मैं लिखती हूँ डी, यहां मैं लिख देती हूँ ई। जो मैंने यहाँ सी लिखा है तो मैं यहाँ लिखूंगी सी डैश, क्योंकि ये इसकी परछाई है बादल की। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ आप सी डैश ही लिखोगे। अगर आप यहाँ बी ले रहे हो तो यहाँ बी डैश लिखना, ठीक है। चलिए ये तो हो गया सब। अब वो आपसे कह रहा है बादल की ऊंचाई थी 518, तो कहाँ से कहाँ तो होगी, सी से लेके बी तक ही तो होगी, ठीक है। इसका मतलब सी से लेके बी तक आपको 518 मीटर दे रखा है, ये आपको 65 था, तो ई बी, ई और बी, ये भी आपका 65 ही होगा, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, जितना ऊपर ये बादल है उतनी नीचे इसकी परछाई बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। इसका मतलब अगर मैं यहां पर देखूं तो इस बी से और इसकी ऊंचाई, ये भी मेरी 518 ही होगी, ठीक है ना। अब क्या रह गया भाई निकालने से, आप ये देखो ये यहाँ ई से बी तक 65 है और इस बी से इस सी तक 518 है, तो क्या मैं ये निकाल सकती हूँ, ये वाला ई, जो ये ई लिखा है, और सी, ये कितना होगा, बिल्कुल इस पूरे 518 में से मैं इस 65 को हटा देती हूँ, तो मेरा आएगा 453। तो इसका मतलब मेरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है 453 मीटर, ठीक है ना। अब आप एक और चीज रह गई बस, देखो अब अगर मुझे ई से, इस ई से इस सी डैश तक बताना हो कितना है, तो देखो आपको पता है बी से सी तो आपका 518 है, क्योंकि जितना बादल ऊपर था उतनी नीचे परछाई बनाएगा वो, ठीक है ना। अब बी और ई भी मुझे पता है 65 है, दोनों को जोड़ दूं तो ई सी डैश निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा 65 प्लस 518, तो कितना आया, वो आपका आया 583, ठीक है ना। तो इसका मतलब ई से लेकर अगर मैं ये देखूं कहां तक, सी तक, ई से सी कितना है आपका 583 मीटर, ठीक है। तो ये थी आपकी वो पूरी आकृति, बस आपको प्रश्न पढ़ना था, जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे ही आपको बनाना था। एक बार जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक आपके पास समुद्र तल था, ठीक है, ऊपर के स्थित एक बिंदु थी 65 मीटर ऊपर, वहां से क्लाउड पे एक बादल था जिस पे हम उन्नयन कोण बना रहे थे, ठीक है। जब उस बादल की परछाई समुद्र के अंदर पड़ी थी, ठीक है, तो अवनमन कोण बनना था अल्फा, ठीक है ना। बादल की कुल ऊंचाई मुझे दे रखी है 518, तो वो मैं अपने समुद्र तट तल से देखूंगी 518, उतनी नीचे बनेगी परछाई, तो वो भी मेरा 518 है ये रहा, ठीक है। ये 65 था तो ये भी मेरा 65 रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये दो निकाल लिए, ऊपर वाला माइनस करके और नीचे वाला प्लस करके, ठीक है। तो ये था मेरा प्रश्न 3। तो आज की वर्कशीट हमारी ये थी, वर्कशीट नंबर थी हमारे पास ये 38, वर्कशीट नंबर 39 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।